इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए तो स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल चैनल पे मैं हूँ का अर्थ होता है व्यवसाय दोस्तों जब आप स्कूल को जाते हो या फिर आप जब मार्केट को जाते हो तो आपके रोड पे आप कई सारे लोगों को अलग अलग व्यवसाय करते हुए देखते हो सकता है जब आप जा रहे हो तो आप देखते हो कि कुछ हॉकर्स होते हैं जो फेरी वाले लोग होते हैं वो कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कोई इंसान है जो लोहे का काम कर रहा है वो लोहार है हो सकता है कोई मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश कर रहा है इस तरह से आपको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवसायों में बिजी है ऐसा दिखेंगे तो इनको देख आप भी कई बार सोचते हो कि काश काश इनमें से मैं कोई व्यवसाय कर रहा होता उसके पीछे आपकी कोई इच्छा हो सकती है इस पोएम के अंदर भी पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बच्चे को सेंटर स्टेज में रखते हुए

जो स्कूल जाने की एज का है जिसकी उम्र काफ़ी कम है वो करे हर रोज़ जब सुबह के दस बज जाते हैं अब यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट टाइम बताया है जैसे ही सुबह के दस बजते हैं और जैसे ही घंटी बजती है अब हो सकता है स्कूल की घंटी बजती है गांव का मतलब होता है घंटी जैसे स्कूल की घंटी बजती है वैसे ही वो अपने स्कूल को वॉक करते हुए जाता है वो पैदल पैदल अपने स्कूल को जाता है इसका मतलब हुआ उसका स्कूल हो सकता है काफ़ी नज़दीक है यही रीज़न है कि वो पैदल पैदल अपने स्कूल जाता है और जब वो अपने लेन से उसके घर के लेन से होते हुए जब वो गुजर रहा होता है तो एवरी डे हर एक दिन हर रोज़ वो हॉकस से मिलता है हॉकर्स का मतलब होता है फेरी वाला इंसान आप देखते हैं कई सारे फेरी वाले लोग जो उनके छोटा सा ठेला होते हैं हैं उन्हें उनके ऊपर कुछ चीजें बेचने की कोशिश करते हैं। तो वो रोज एक हॉकर को मिलता है जो चिल्लाता है बैंगल्स 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 का अर्थ होता है चूड़िया ये जो इंसान है उसके पास क्रिस्टल्स बैंगल्स हैं जो कांच की चूड़ियां है उन्हें बेचने की वो कोशिश करता है देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन देर इज नो रूड ही मस्ट टेक नो प्लेस ही मस्ट गो टू नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम अब यहाँ पे जैसे ही बच्चा इस हॉकर को देखता है तो उसके मन में एक कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं उस व्यक्ति के जॉब के प्रति अब पहली जो पॉजिटिव चीज़ है वो है उसे हरी करने की जरूरत नहीं उसे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं जैसे हो सकता है बच्चे को अगर कभी लेट हो जाए स्कूल जाने के लिए तो उसे जल्दबाजी में जाना पड़ता है उसको हरी करना पड़ता है लेकिन हॉकर को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है वो अपनी मर्जी का मालिक है वो हो सकता है जल्दी जल्दी जाए या फिर धीरे जाए हो सकता है वो कहीं पे लंबे समय तक रुक जाए उसे कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुम जल्दी जाओ तुम धीरे से जाओ साथ ही साथ देर इज नो रोड ही टेक ऐसे कोई पर्टिकुलर रोड नहीं है जहां पे उसको जाना है वो हॉकर है फेरी वाला है उसका जो व्यवसाय है वो रोड के ऊपर हो सकता है वो आज महात्मा गांधी रोड को जाए हो सकता है कल महात्मा फुले रोड को जाए या फिर हो सकता है किसी दिन उसे मेन रोड से ही घूमता रहे yes, हो सकता है किसी दिन वो सोसाइटी के अंदर जाए तो मस्ट no का मतलब ऐसा भी कोई मजबूरी नहीं कि उसको उसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ही बेचना है या किसी पर्टिकुलर एक गार्डन के सामने ही उसको बेचना है ऐसे उसके पास कोई मजबूरी नहीं है वो अपनी मर्जी का मालिक है और

मेरा पूरा दिन रोड के ऊपर बिता देता सड़क के ऊपर बिता देता चिल्लाते हुए बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स चूड़ियाँ बेचते हुए वो पूरा दिन बिताना चाहता है नेक्स्ट आंसर के अंदर व्हेन एट फोर इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड अब चार बजे अब यहाँ पे फिर से हमें टाइम के बारे में समझ रहा है जो बच्चे की लाइफ होती है स्कूल जाने वाले बच्चों की जो लाइफ होती है वो अक्सर टाइम बाउंड होती है उन्हें टाइम से निकलना होता है टाइम से उनको घर आना होता है अगर वो टाइम से वापस नहीं आते तो भी पूछताछ की जाती इतना टाइम लग क्या कर रहे थे क्यों इतना लेट है तो चार बजे बच्चा जब दोपहर को स्कूल से वापस आ रहा होता है तो एक घर के सामने एक घर के गेट के सामने से जब वो अंदर देखता है तो एक गार्डनर को देखता है एक माली को देखता है जो ग्राउंड को डिग कर रहा है जो जमीन के ऊपर गड्ढा खोद रहा है डिगिंग का मतलब होता है गड्ढा खोदना और वो कहता है ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड अब ये जो माली है वो वो काम करता है जो उसे अपने स्पेड के साथ करना पसंद है स्पेड का मतलब होता है फावड़ा फावड़े का यूज करके आप जमीन के ऊपर गड्ढा खोद सकते हो तो जो गार्डनर है उसे आजादी है उसे जो पसंद है वो अपने गड्ढे से कर सकता है अपने फावड़े से वो कर सकता है ही उसके ऊपर मतलब मिट्टी लग जाना मैले हो जाना नो बड़ी टेक और जब उसके कपड़े मैले हो जाते हैं मिट्टी से तो वो कहते हैं नो बड़ी टेक नो बड़ी टेक का मतलब होता है कोई उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता

नहीं करता और फिर से एक बार बच्चा सोचता है आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग और बच्चा विश करता है कि काश मैं एक गार्डनर होता मैं एक माली होता और मैं पूरा दिन गार्डन के अंदर खुदाई करता रहता डिगिंग करता रहता और कोई मुझे रोकने वाला नहीं रहता तो बच्चा कहीं ना कहीं चाहता है कि उसे आजादी मिले कि वो जो चाहे वो कर पाए नेक्स्ट आंसर के अंदर जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग और जो बच्चे की माँ है उसे बेड पे भेज देती उसे के लिए भेज देती है आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन और फिर जब बच्चा अपने बेड पर सोया हुआ होता है पड़ा हुआ होता है और तब जब वो उसकी ओपन विंडो में से खुली हुई खिड़की में से जब बच्चा बाहर दिखता है तो वो देखता है वॉचमैन को वॉकिंग अप एंड डाउन वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो वॉचमैन होते हैं वो घर के सामने का जो एरिया होता है उसी एरिया में आगे पीछे जाते रहते हैं तो बच्चा देखता है कि जो वॉचमैन है वो पूरी रात अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहता है वही के वही घूमता रहता है फेरी लगाते रहता है द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अंट विद वन रेड आई इन द इन इट्स हेड और फिर जो लेन है जो पूरी कॉलोनी की जो लाइन है पूरा जो रास्ता है जो सड़क है वो लोनली है पूरी तरह से अकेली है जो स्ट्रीट लैंप है वो किसी जाइंट की तरह लग रहा है जॉंट का मतलब होता है दैत्य जो बड़े आकार का दैत्य रहता है तो जो स्ट्रीट लैंप है जो स्ट्रीट लाइट है उसका जो पोस्ट है उसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई जॉइंट है कोई दैत्य है जिसके ऊपर एक रेड आय लगी हुई है जिसके सिर के ऊपर रेड कलर की एक आय लगी हुई है तो यहाँ पे बच्चा इमेजिन कर रहा है कि कुछ इस तरह से जो लैंप पोस्ट होता है उसके ऊपर जब लाइट्स लगी होती है तो ये जो लाइट्स होती है उसके सिर के ऊपर लगी हुई होती है तो बच्चा सोच रहा है जैसे ये जो स्ट्रीट लैंप है ये कोई दैत्य है कोई राक्षस है जिसके ऊपर लाल कलर की आंख लगी हुई है द वॉचमैन स्विंग्स हिज लेंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ और फिर यहाँ पे जो वॉचमैन है वो उसके हाथ में जो लेंटन है लेटन का मतलब होता है लालटेन जो बत्ती उसके हाथ में है उसे वो हिलाते हुए उसे वो घुमाते हुए उसकी जो परछाई है जो शेडो है उसके साइड में लेके पूरी रात वो घूमता रहता है एंड नेवर टू बेड और अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी भी रात को सोने के लिए नहीं जाता है पूरी रात वो जगता ही रहता है आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट और फिर बच्चा सोचता है बच्चा सोचता है कि काश वो एक वॉचमैन होता वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट जो कि पूरी रात रास्ते के ऊपर घूमता रहता चेजिंग द शैडोज विद माय लैंटर्न और बच्चा इमेजिन करता है कि पूरी रात जब वो रास्ते के ऊपर घूमता रहता तो जब उसके हाथ में लालटेन पकड़ी हुई होती बत्ती पकड़ी हुई होती तो वो अपनी परछाई को हमेशा चेज करता रहता अपनी परछाई के पीछे पीछे भागता रहता दोस्तों तो ये पूरी पोयम पढ़ने के बाद हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कई बार हम जो आम लोग होते हैं उनको देखकर भी सोचते हैं कि काश में फेरी वाला होता है लेकिन हम नहीं जानते कि उनकी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट है हमें किसी गार्डनर को देखकर लग सकता है कि कितना अच्छा है कि इनको ये आज़ादी है कि वो अपने कपड़े गंदे कर सकते हैं पूरा दिन वो धूप में रह सकते हैं एक बच्चे को ऐसे लग सकता है कि उसकी माँ जब उसको डांटती है कि चलो घर के अंदर आओ धूप में मत खेलो तो उसे लग सकता है कि उसे आजादी नहीं है लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सारी चीजें हैं कई बार इसके पीछे आपकी ही भलाई होती है आपकी ही अच्छी हेल्थ के लिए ऐसा कहा जाता है उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई अगले वीडियो के अंदर हम इस पोएम के सारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करेंगे थैंक यू वेरी मच